भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने कांग्रेस को नए मुकाम पर पहुंचाया। सूबे में लगातार 3 चुनाव हारने के बाद जब 2014 में कांग्रेस हाशिए पर थी, उस वक्त सूबे में पार्टी की कमान भूपेश बघेल को सौंपी गई। उसके बाद से ही पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भूपेश बघेल मौजूदा विधानसभा में दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा से विधायक हैं और इस बार भी पार्टी ने उन्हें पाटन से ही चुनावी मैदान में उतारा है। 23 अगस्त 1961 में एक किसान परिवार में जन्मे भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 के दशक में अपने राजनीतिक गुरु चंदूलाल चंद्राकर के संरक्षण में की थी। उन्होंने 1985 में कांग्रेस की सदस्यता ली। वे 1994 से 95 तक मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। बघेल 1993 और 1998 में पाटन विधानसभा से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में गए। बघेल को दिसंबर 1998 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सरकार में राज्य मंत्री का पद मिला। इसके बाद 1999 में उन्हें परिवहन मंत्री बना दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद उन्हें राज्य का पहला राजस्व मंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वे 2003 और 2013 में पाटन से चुनाव लड़े और विधानसभा तक पहुंचे। वैसे भूपेश बघेल के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं। 1993 में एक बी फॉर्म घोटाला उजागर हुआ था। उसके बाद जमीन घोटाला, पीएचई का पाइप घोटाला विवाद उनके साथ जुड़ा। इसके बाद बीजेपी के एक मंत्री का कथित सेक्स सीजी स्कैंडल सामने आया था, जिसमें साजिश के पीछे बघेल का नाम सामने आया था। लेकिन तमाम विवादों के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक कद को घटने नहीं दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।